नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट, HTE वेरिएंट है भाई ये। पेट्रोल का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। फ्रंट में आपको सेम वैसी ग्रिल मिलेगी जो टाइगर नोज ग्रिल दी जाती है किया की गाड़ियों में, लेकिन इसमें जो एलिमेंट यूज़ किए गए हैं वो चेंज मिलेंगे। यहाँ पे रफ ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, यहाँ पे ये सिल्वर टेक्सचर मिलेगा, क्रोम नहीं मिलता। जो नीचे वाली ग्रिल है वो ब्लैक प्लास्टिक की मिलेगी, सेम मिलेगी। यहाँ पे सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। कोई फॉग लैंप नहीं मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। अगर इसके हेडलैम्प की बात करूँ तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा एक और हैलोजन बल्ब। पूरा हैलोजन सेटअप मिलेगा इसमें आपको, LED सेटअप नहीं मिलता। डिज़ाइन देखने में वैसा ही है, ऐसे जाएगा और ये इस टाइप से, लेकिन जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे LED हेडलैम्प मिलेगा और DRL मिल जाती है। इसमें आपको कोई DRL भी नहीं मिलेगा। ये हो गया इसका फ्रंट, किया का लोगो मिल जाएगा नए वाला यहाँ पे बोनट के ऊपर। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। ये देखिए भाई इसका साइड में इसके अगर टायर की बात करूँ तो इसमें आपको जो टायर मिलेगा वो है 205/65R16 स्टील रिम के साथ मिलेगा, और ये इसमें व्हील कवर हैं जो वो भी मिल जाएंगे, किया का यहाँ पे बीच में लोगो मिल जाएगा। फेंडर के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, ORVM इसके बॉडी कलर मिलेंगे। नीचे जो क्लैडिंग दी गई है वो ब्लैक कलर की मिलेगी, डोर हैंडल वाइट कलर के ही मिलेंगे, यानी बॉडी कलर ही मिलेंगे। और भाई यहाँ पे कोई क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, ब्लैक कलर का ही आपको इसमें बी पिलर मिल जाएगा, और जो ए पिलर है वो ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। ऊपर कोई भी इसमें रूफ रेल का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे ये देखिए ब्लैक एलिमेंट मिल जाएगा, क्रोम नहीं मिलता। इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट है, ऊपर वाले नहीं, फोर्थ वेरिएंट है जो, उसमें यहाँ पे क्रोम मिलता है, वो देखने में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पूरा ब्लैक ब्लैक है। यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा, डीजल इंजन है ये, तो यहाँ से डीजल भरवा सकते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा इसमें। वैसे देखने में फ़ीचर्स की कमी है, लेकिन देखने में कुछ आपको ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा। जैसे फ्रंट में थोड़ा अलग लगता है ना, खाली खाली सा, वैसा नहीं लगेगा रियर में। नीचे जो बम्पर है, बम्पर ब्लैक कलर का ही मिलेगा, स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर कलर की। बम्पर के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे 4 इसमें पार्किंग सेंसर, यहाँ पे सेल्टोस लिखा गया है। इसकी टेल लाइट दिखाऊँ आप तो ये हैलोजन सेटअप मिलेगा, यहाँ पे भी हैलोजन मिलेगा, यहाँ पे भी हैलोजन मिलता है। और ये बैक गियर के लिए है, ये टर्न इंडिकेटर है। डिज़ाइन लाइट का सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाले वेरियंट में था, लेकिन इसमें आपको LED नहीं मिलता। ये सिल्वर एलिमेंट मिल जाएगा, किया का लोगो है। पीछे यहाँ पे आपको कोई कैमरा नहीं मिलता HTE वेरिएंट में, ना इसमें आपको वाइपर मिलेगा, ना डिफोगर मिलेगा, ना वॉशर मिलेगा। हाई स्टॉप लैंप यहाँ ऊपर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की, देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है इंटीरियर में। जो सीट्स हैं और जो डैशबोर्ड वगैरह जो भी इसमें दिया गया है वो आपको ऑल ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे अगर इसके डोर पैनल की बात करूँ तो ये भी पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ब्लैक कलर का दिया गया है। यहाँ पे प्लेन प्लास्टिक मिल जाएगा, ये रफ ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट मिल जाएगा, डोर हैंडल भी सिल्वर कलर का ही मिलेगा। ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे, ORVM इसके मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये नॉब दिया गया है इनको एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड भी हाथ से करने पड़ेंगे। यहाँ पे ट्विटर नहीं दिया जाता। स्पीकर मिल जाएगा इसमें आपको, 4 स्पीकर मिलते हैं, ट्विटर नहीं मिलते इस वाले वेरियंट में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, की वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। 2 रिमोट की मिलेंगी इसमें आपको, फोल्डेबल की मिलेंगी। यहाँ पर ये 3 बटन इसमें दिए गए हैं, लॉक के लिए, अनलॉक के लिए, बूट ओपन करने के लिए। ये हो गया 1 लीटर की बोतल के लिए, वहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। सीट की बात करूँ तो इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है, 8-way एडजस्टेबल सीट मिलेगी, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। हाइट एडजस्ट करेंगे, रिक्लाइन एंगल उसको भी चेंज करेंगे, आगे पीछे स्लाइड करेंगे, और जो इसका हेडरेस्ट है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं भाई अंदर, आपको इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखाऊँ और बात करते हैं इसके फीचर्स की। डैशबोर्ड भाई सेम वैसा ही है जैसा दूसरे वेरिएंट थे उनमें मिलता है। इसमें ऊपर की तरफ तो कुछ आपको चेंज नहीं मिलेगा, चेंज मिलेगा यहाँ पे जो 10 इंच का इसमें म्यूज़िक सिस्टम मिलता था वो नहीं मिलेगा। 6 एयरबैग मिलते हैं इसमें, यहाँ पे एक एयरबैग मिलेगा, एक एयरबैग उधर मिलेगा, बाकी यहाँ साइड में मिल जाएंगे, एक यहाँ सीट पे मिल जाएगा एयरबैग। नीचे यहाँ पे ये ग्रे टेक्सचर यूज़ किया गया है। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, वो सिंपल वाला मिलेगा, इसमें आपको टच नहीं मिलता। ये छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, ये इसके फिजिकल बटन मिल जाएंगे, ये वॉल्यूम के लिए नॉब मिलेगा, ये ट्यूनिंग के लिए मिल जाएगा। और भाई इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिलेगी, USB की कनेक्टिविटी भी मिलेगी, FM भी मिल जाएगा इसमें। नीचे बात करूँ तो ये AC के वेंट मिल जाएंगे सेंटर वाले, यहाँ पे हजार्ड लाइट का स्विच मिलेगा। मैनुअल इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, टेम्परेचर के लिए यहाँ पे नॉब मिलेगा, ब्लोअर के लिए मिल जाएगा, ये इसके मोड्स है जो उसके लिए मिलेगा। यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए बटन दिया गया है, ये AC ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग का इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलेगा, USB पोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा।
म्यूज़िक सिस्टम के लिए, और यहाँ पे मिल जाएगा चार्जिंग के लिए एक यूएसबी पोर्ट। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिलेगा, ये ब्लैक कलर का मिलेगा, ये हैंडल जो दिया गया है। यहाँ पे आपको ये ग्रे टेक्सचर मिल जाएगा, इसमें सिल्वर यहाँ पे पतली सी ये पट्टी दी गई है। 6 स्पीड का इसमें आपको मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है। यहाँ पे मिलेगा 2 कप होल्डर, मैनुअल इसका हैंड ब्रेक मिल जाएगा, जो इसका आर्म रेस्ट है उसको स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन अंदर इसमें स्पेस भी मिलेगा। काफ़ी गहरा है, मतलब बड़ा भी है ये, देखो इतना बड़ा और गहरा दिया गया है, ये स्पेस इसमें काफ़ी मिल जाएगा। फैब्रिक सीट मिलती हैं, ये इसका फैब्रिक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और भाई कुशनिंग की बात करूं तो वो इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाती है। वो वाला डोर है वो भी सेम मिलेगा, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। ग्लव बॉक्स की बात करूं तो ये डिसेंट साइज़ का मिलेगा। फोल्डेबल इसमें आपको ग्रैब हैंडल मिलेंगे, इस साइड वैनिटी मिरर मिलेगा, और यहाँ पे मिल जाएगी कैबिन लाइट येलो कलर की, और ये मिलेगा सनग्लास होल्डर, इस साइड मिलेगा टिकट होल्डर। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। राउंड शेप में मिलेगा इसका स्टेयरिंग, रबड़ रैप मिलेगा, यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के लिए, यहाँ पे मिल जाएंगे जो इसका MID है उसके लिए, यहाँ पे ये सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो भाई ये टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलता। यहाँ पे मिलेगा वाइपर के लिए नोब, यहाँ पे मिल जाएगा हेडलैम्प के लिए, हेडलाइट का लेवलर यहाँ पे मिलेगा, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है। इसके अगर MID की बात करूँ तो यहाँ पे बीच में छोटे साइज़ की इसमें MID मिलेगी, ऑडोमीटर यहाँ पे शो करेगा। और भाई एक बार मैं इसकी की कहाँ पे गई, और ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोनों साइड में आपको इसमें डायल्स मिलेंगे, इसमें यहाँ पे RPM के लिए मिलेगा, ये टेम्परेचर के लिए मिलेगा, ये फ्यूल के लिए मिलेगा, स्पीड के लिए मिलेगा। MID छोटा सा मिल जाएगा इसमें, बीच में यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा, ओडोमीटर ऊपर आपको इसमें एक डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करेगा, यहाँ पे आपको ये एनिमेशन आएगा जैसे डोर खुला हुआ है तो वो यहाँ पे शो करेगा। इसको बटन को प्रेस करूँगा तो इसमें देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे यूज़र सेटिंग मिलेगा, और भाई ये इसमें आपको स्पीड मिल जाएगी डिजिटल, यहाँ पे आपको TPMS भी मिल जाएगा। यूज़र सेटिंग में देखूँ तो इसमें डोर है, लाइट है, कहाँ गया, हाँ डोर है, लाइट है, सर्विस इंटरवल है, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, रीसेट, ये इसमें आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। ये हो गया इसका MID, फ्रंट का मैंने बता ही दिया। अब चलते हैं पीछे की तरफ, भाई देखते हैं पीछे क्या मिलेगा। हाँ, जो इसका IRVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलता इसमें। और भाई अब चलते हैं पीछे, देखते हैं पीछे का इसका स्पेस और इसके फीचर्स। ये है भाई पीछे वाला इसका डोर, डोर ट्रिम पूरा ब्लैक कलर का मिलेगा, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, ये भी पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। पावर विंडो के लिए यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे डोर हैंडल मिलेगा, सिल्वर कलर का मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीकर मिलेगा, 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस मिल जाएगा। और भाई सीट इसमें फैब्रिक मिलती है, देखते हैं अंदर बैठ के, स्पेस तो उतना ही मिलेगा, स्पेस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि गाड़ी तो भाई सेम है। अब यहाँ पे नी स्पेस ये देख लो भाई एक बार, यहाँ पे जो इसका जो टनल दिया गया है ऑलमोस्ट फ्लैट मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट मिलेगा, पीछे वाले एसी के वेंट भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर सीट की बात करूँ तो सीट इसमें फैब्रिक मिलती है, काफ़ी चौड़ी सीट है, 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलेगा, बीच में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता। जो हेडरेस्ट दिए गए हैं पीछे वाले वो भी फिक्स मिलेंगे, बीच में यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कैबिन लाइट भी मिलेगी, ग्रैब हैंडल वो फोल्डेबल मिल जाएंगे। ये हो गया भाई सेकंड रो का स्पेस और फीचर्स। सेकंड रो में आपको AC के वेंट मिल जाते हैं, USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। कई गाड़ी होती हैं जिसके बेस वेरिएंट में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी नहीं मिलता, इसमें आपको USB मिलता है। और भाई ये इसका म्यूजिक सिस्टम की लाइट दिखा दूँ, ये देखो वाइट कलर का मिलता है। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ, बूट में कितना कुछ क्या स्पेस मिलेगा, क्या फीचर मिलेंगे। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दिया गया है, और भाई ये है इसका बूट, 433 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलेगा। पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, ना इसमें कोई बूट लैंप मिलेगा, यहाँ पे हुक मिल जाएगा, स्पेयर व्हील यहाँ नीचे मिलेगा, और ये है 205/65R16 का इसमें स्पेयर व्हील मिल जाएगा ब्लैक कलर के रिम के साथ। ये हो गया, अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, और इंजन दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से होगा इसका इंजन भी ओपन, इसमें आपको 1500cc का डीजल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है। अगर इसकी पावर की बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 114 BHP की पावर मिलेगी, और 250 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। सेफ्टी के इसमें सारे फीचर मिल ही जाते हैं, ABS यूनिट यहाँ पे दिया गया है। और भाई डीजल इंजन है तो इसको चलाने में तो आपको मज़ा आएगा ही। जो डीजल इंजन में पंच मिलता है भाई वो पेट्रोल में मज़ा नहीं आता। अब पेट्रोल इंजन जो भी चलाते हैं वो स्पीड ज़्यादा देगा, यानी कि उसमें पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी डीजल इंजन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो टॉर्क होता है ना, जो पंच होता है, वो आपको डीजल में ही मिलेगा, पेट्रोल में उतना ज़्यादा नहीं मिलता। ये था किया सेल्टोस का
बेस वेरिएंट डीजल इंजन के साथ। इसमें जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो सारा कुछ मैंने बता ही दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।